अदम एतमाद से पहले ना मेरे कोई मामलात हैं ना रबता हुआ है। एक शेर आपको सुनाया था कि गुरूर हुस्न ने गुरूर इश्क हमें, वो आ नहीं सकते हम जा नहीं सकते। ठीक कहते हैं खान साहब, अगर ऐसा बयान उन्होंने दिया आज आप दुनिया के मीडिया में देखें कि शहबाज गिल के बारे में जो खान साहब ने बयान दिया है उसमें हुक्मरान जमात की नाक कट गई है और बेनकाब हो गई। मैं तो इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, कोई अकल का अंधा होगा ये जो तोशा खाना है या ममनू फंडिंग है या बुलाने का मसला है उनको, कौम की आवाज़ को दबाना इस मुल्क के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी। इस वक्त इंग्लिश में कहते हैं एवरी डे इज़ नॉट संडे, सो इस वक्त कौम जो है इमरान खान के साथ निकली हुई है और जो कम अक्ल और ज़ेहनी पस्ती के लोग ये समझते हैं कि कौम और इमरान खान को अलग किया जा सकता है वो गलती पे है। ये करूँगा मैं अगर गिरफ्तार हो गया तो कोई ऐसी बात नहीं है, मैंने एक और किताब लिखनी है क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मेरी 2-2.5 करोड़ रुपए में ये किताब बिकेगी, अगली 10 करोड़ में बिकेगी। मैं ये समझता हूँ कि ये सब कुछ जितनी ताश लगाई गई इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली 2 वोटों की अक्सरियत से इमरान खान के खिलाफ एक साजिश बनाई गई जिसे कौम ने मुस्तरद कर दिया। आमिर कियानी मेरे साथ इत्तफाक नहीं करेंगे, ये इतने बेवकूफ़ हैं, इन्होंने जो इमरान खान के खिलाफ किया वो उसके हक में चला गया। कौम इस जोश व खरोश के साथ उसके साथ नहीं थी जो इस फैसले के बाद हो गए। मेडिकल तो जाहिर है हर बंदे का राइट है, जो राइट है उसे कौन डिनाई कर सकता है। बल्कि कल भी आप देखें मैजिस्ट्रेट ने बड़ी क्लियर ऑर्डर्स दिए थे, कि आप जाके मिलें, और उस कॉन्फिडेंस में कि हमारी अदालतों का ऑर्डर है, हम कोई जोर जबरदस्ती से नहीं गए। तो मैं समझता हूँ कि आपका कानून का जो फैसले हैं वो बालतर होने चाहिए हर मामले से। मैं इसमें सुप्रीम कोर्ट पे देखें सुबह शाम बैठ रही है, मैं उसको सल्यूट पेश करता हूँ, अतर मिनिल्ला साहब को भी और हमारे कमिश्नर थे फतेह खान बंदियाल साहब के बेटे हैं ये मुझे ना मुझे खान साहब ने कहा ना पिंडी वालों ने मुझे तंग किया या फोन किया या रब्ता किया। सो शेर मैंने सुना दिया पढ़े लिखे लोगों के।